कोरोना वायरस के हूँ तक 1,04,996 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिन्हों के 99,399 सैंपल का रिजल्ट नैगेटिव आया है। तो कुल पॉजिटिव हूँ तक केसिज आए हैं 4,460। अज की डेट च एक्टिव केसिज जिला हुशियारपुर के 588 तो ठीक हो चुके मरीजों की गिनती है 3,722। कुल हॉटस्पॉट जिले के 16 ने, एक कंटेनमेंट जोन तो एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। तो हूँ तक कोविड के नाल जिले के 157 डैथ्स हो चुकी हैं। एक जो अच्छी गल देखी असी तो यह है कि पिछले कुछ दिनों के जिले के सैंपलिंग की गिनती वधाण के बावजूद भी जो पॉजिटिव केसिज है उन्होंने गिनती घट आ रही है। असी पिछले हफ्ते देखा है कि ट्रेंड लगातार घट रहा है कि केसिज की जी गिनती है वह पहला नालों घटी है। जिहड़ियां कुछ डैथ्स हो रही ने वह भी उन्होंने केसिज के मरीज या तो बहुत ओल्ड एज के सके या उन्होंने पहला तो ही कोई इस तरह की गंभीर बीमारी चल रही थी या हस्पताल तो उन्होंने इलाज चल रहा है। इस तो अलावा जिहड़ी 40 टीम्स हैगियां वो लगातार डेली अलग अलग जगह पर जाके सैंपलिंग कर रही ने। असी कोशिश कर रहे हैं सारिया फैक्ट्रीज में कवर करन दा, स्कूलों जिहड़े स्टाफ आ रहा है उन्होंने कवर करन दा, सेवा केंद्रां दे विच भी टीम्स तैनात ने जिहड़ियां पब्लिक की सैंपलिंग कर दियां। इस तो अलावा असी हुण पिंडां दे विच भी जिहड़ियां पंचायतां कुछ अगे वध के आईयां ने जिहड़ियां चाहुंदे आ कि उत्थे सैंपलिंग होण उन्हां दी भी सैंपलिंग पिंडां दे विच जाके स्टार्ट करनी शुरू कर दित्ती। जिहड़े हुण सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होम आइसोलेशन दे विच हन उन्हां दी भी मोनिटरिंग लगातार चल रही है। डेली उन्हां नूं फोन जांदे ने, उन्हां दा सारे हैल्थ पैरामीटर्स पुछे जांदे ने कि जे किसी नूं हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो उस बारे उन्हां नूं गाइड किया जाता है। मैं इत्थे दसना चाहूँगी कि पंजाब सरकार वालों मान्योग CM साहब वालों मिशन फतेह के अंडर करोना केयर किट जी है होम आइसोलेशन किट है वह लॉन्च की गई है जिड़ी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होम आइसोलेशन पेशेंट्स को दी जा रही है। साढ़े जिले के भी यह किट्स पहुँच चुकी ने तो दिखाई जा रही ने जोड़े जोड़े पेशेंट्स होम आइसोलेशन घर एकांत वास के इस किट के कुल 18 वस्तुआ ने जिमें कि तुम देख सकते हो कि मास्क सैनिटाइजर कफ की दवाई इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी ते जिंक इस तो अलावा जिहड़ा आयुर्वेदिक एक काढ़ा है उहदा नाल ही पल्स ऑक्सीमीटर एक स्टीमर थर्मोमीटर इस तरह दियां जिहड़ियां सारियां घर च तुहानूं एमरजेंसी च जरूरत पै सकदियां चीज़ां ते जिहड़ियां तुहानूं अपनी ते अपने परिवार की देखभाल लई जरूरी है यह तुहानूं घर दे विच ही प्रोवाइड करवाइया जाणगियां जिहड़ियां साडियां हैल्थ टीम्स है उन्हां दे कोल। सो उम्मीद है कि इन वस्तुओं के नाल तुहाडा जिहड़ा होम आइसोलेशन है वह काफ़ी ईजीली निकलेगा ते नाल ही इस तरह के पैम्फलेट भी इस किट के शामिल होंगे जिदे विच इस सारिया वस्तुओं किस किस सरकमस्टांसिस यूज करना किहड़ी दवाई का की बेनीफिट है किहड़ी वस्तु का की यूज है वह भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मैं उम्मीद है कि इन सारे एफर्ट्स के नाल ते जिवें सारे हेल्थ टीम्स लगिया हुई हैं प्रशासन लग्या हुआ है ये असी पब्लिक के सहयोग के नाल बहुत जल्दी कोविड की जी महामारी है वो कंट्रोल पा सकेंगे। इस दे नाल मैं अजे भी गल करना चाहूँगी कि जिहड़ा पैडी का प्रक्योरमेंट का सीजन स्टार्ट हो चुका है झोने का वो कुछ जिहड़ियां चीज़ों की हदायत सरकार वालों आई है तो जी आप ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि जिहड़ी पराली नूं अग लगाउण की प्रथा है या फसल की रहिंद खूंद नूं अग लगाई जाती है उस ते पूरन तौर पर पाबंदी है तो असी यह कोशिश करनी है कि साडे जिले में इस तरह का कोई भी केस ना हो क्योंकि कोविड के चलते यह एक जे आप पराली में अग लगावे तो अपने वातावरण में दूषित करा तो एक होर माड़ी गल होगी क्योंकि असी जानते हैं कि कोविड जी है वह साडे फेफड़िया अटैक करती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इनक्रीज करती है इसलिए जे असी हवा दूषित करा तो यह प्रॉब्लम होर बढ़ेगी तो चांसिज है कि लोग ज़्यादा बीमार हो जाए तो कई की डैथ भी हो जाए तो जे असी इस सिचुएशन तो बचना चाहते हाँ तो यह साड़ी सांझी जिम्मेदारी है सारे की खास तौर पर साढ़े सारे जिम्मेदार भरा जोड़े है उन्होंने जिम्मेदारी है कि असी अपना अपने परिवार की सेहत लिए अपने वातावरण में दूषित नहीं करना तो पराली को अग नहीं लगानी।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰ SMS ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਉਣੀ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਓਪਰੇਟਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਓਪਰੇਟਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4,40,000 MT ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੋਨਾ ਉਹਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੋਟਲ 80 ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਪਰਚੇਸ ਸੈਂਟਰਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। SDMs ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੋਲੀ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੋਲੀ 'ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਡੀਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਆਪਣੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਿੱਲੀ ਜੀਰੀ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਡੇਲੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 19 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕੀਏ।